सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्ति कमलगंतम वाग्मय ममृतम जगत्पिबती विश्वसर्गसर्गात् नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाक्षम् परमधाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराक रूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलम् वंदे श्रीचैतन्यदेवस्य वंदेहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवानिश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललता श्रीविशाखान्वितानिश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णकलौ समर्पयतोन्नतो ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिपुरटसुन्दरद्विजगदं सन्दीपितः सदा हृदये कन्दरे स्फुरतो शचीनन्दनः जयतां स्वरतौर्पङ्गोमो मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भुजौ श्रीराधामदनमोहनौ दिव्य वृंदारण्यकल्पद्रुमाघ श्रीमद्रत्नागार रत्न सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्री गोविंददेव प्रेष्ठालीभिः सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रास रसारम्भी वंशीवट्टतस्थित कर्षन वेणुस्वनैर् गोपी गोपीनाथ श्रीयोस्तु नः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्तीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्रीसनातनप्रभो करुणाम्बराशे हे रूपदुर्गतजनैकदयावलोक हे भट्टियुग्म सुमते रघुनाथदासो श्रीजीव मे कुरुत मन्दमतिर्दयान्तरा बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री विदग्ध माधव नाटक पंचम अंक में श्री राधिका अभिसार लीला का श्री रूप गोस्वामी पाद निरूपण कर रहे हैं। श्री प्रिया जी ने मान धारण किया, श्याम सुंदर ने मान मनाने के लिए श्री प्रिया जी को जिस समय पुष्प स्तवक समर्पित किए, आपके हाथ से में जो बंशी थी वो बंशी भी के गुच्छों के साथ में श्री प्रिया जी के पास में पहुंच गई। श्री स्वामी कभी उस बंशी को जब देख रही है, श्री ललता ने कहा कि अरे सखी, ये बंशी अपने आप बज उठती है, मारुत से प्रेरित होती है तो ये अपने आप बज उठती है, ये चिन्मयी बंशी है। और जो हवा के रुख में की उस बंशी को, वो बंशी श्री राधा राधा गायन करने लगी, बज उठी। और उस बंशी की आवाज को सुनकर के तुरंत ही श्री जठला जी वहां पर चली आई और गर्जन तर्जन करती हुई श्री राधिका के हाथ से बंशी ले गई। राधिका व्याकुल हो रही है, सखी गणों ने छिद्र समृद्धि माने श्री राधिका के दोषों को ढांकने का बड़ा प्रयत्न किया कि भाई हमको तो ये बंशी यमुना जी के किनारे कहीं
घाट के ऊपर यमुना के तट पर पड़ी हुई मिली थी, ऐसा कह रही है। परंतु श्री जटला कह रही है कि नहीं, इस वंशी को मैं सारी वृद्धाओं को एकत्रित करके पौर्णमासी जी को दूंगी, वे मेरी बात को मानती नहीं है, अब मान जाएंगी। देखो प्रमाण लेकर के आई हूं कि नंद का लाला बड़ा चंचल है और मेरी बधू ही एकमात्र पूरे गोकुल में पतिव्रताओं में मुकुटमणि होकर के निर्दोष बची है, नहीं तो सबके ऊपर इसने दोष लगाया है और अब ये मेरी बधू के ऊपर भी, राधिका के ऊपर भी दोष लगाने के लिए तैयार है। श्री पौर्णमासी जी चिंतित हो रही हैं और कह रही हैं अब क्या हो। श्री वृंदा जी को से कह रही हैं कि कोई उपाय कर। वृंदा जी कह रही पौर्णमासी जी आप चिंता मत करो, मैं कोई अभी एक उपाय करती हूँ। और वृंदा जी उस समय गई। अब वृंदावन की जितनी भी बदरिया मोर पंख जितने भी पशु पक्षी कीट पतंग सब वृंदा के आदेश का पालन करने वाले हैं। तो वृंदा जी के आदेश से कखटी नाम करके बदरिया वो जटला के घर में घुस गई। और उस समय जैसे ही कहा कि अरे जटला तेरे घर में बदरिया घुस करके माखन खा रही है और सारे कपड़ा भाड़े बर्तन इन सबों को फैला रही है, तो जटला दौड़ करके गई श्री वृंदा जी ने उस समय संकेत में आंख मिचका करके सुबल से कहा जाओ पीछे। और सुबल जो है वो पीछे पीछे गए। जटला ने उसी बंशी से उस बदरिया को बंशी फेंक करके जो मारी, बदरिया ने पट बंशी लपक ली है और लपक करके वो तो भाग गई। अब वो बंशी मिलेगी नहीं। अब श्री बंशी तो बदरिया को सिखाई हुई है श्री वृंदा जी की। श्री वृंदा ने उस समय ये कहा सुवल से कि तुम वंशी के पीछे जाओ तो सुवल को वो वंशी मिल जाएगी। और इधर श्री ललता जी ने पौर्णमासी जी की ओर कटाक्षपात किया, आंख मिचका करके नेत्र से ही संकेत कर दिया कि अब मैं श्री राधिका को अभिशाप कराती हूं। पर ऐसे ललता नेत्र प्रांतम पूर्णयंती, नेत्र प्रांत जो है उनको जरा सा आकुर्णित करके कह रही है हला राधे एही बेणु मार्गे आवह। वो बदरिया कहीं बेणु को फेंक गई होगी, हम बेणु को ढूंढती हैं। और ऐसा कहकर के बेणु ढूंढने के बहाने श्री राधिका को ललता जी ने श्याम सुंदर के पास में अभिसार कराना चाहा। श्याम सुंदर जहां है वहां श्री राधिका का अभिसार कराना चाहा। श्री राधिका सब समझ रही है और स्वागतम अपने मनी मन में कह रही है कि दृष्टिया अभिसारे यति मां, मैं सब समझ रही हूं ये ललता बेणु ढूंढने के बहाने मुझे श्री कृष्ण के पास में अब अभिसार कराना चाहती है। श्याम सुंदर जिस कुंज में है उस कुंज में मुझे ले जाना चाहती है। इतने में श्री मुखरा जी प्रविश्य अपटी क्षेपेणों बिना पर्दा गिर ही हड़बड़ाती हुई रंगमंच पर प्रवेश करती हैं। अपटी क्षेपेण प्रवेश दो प्रकार से होता है, कहीं पर्दा उठा उसका नाम प्रवेश है, एक दृश्य है और दृश्य में पर्दा रंगमंच के ऊपर उठा और एक नया दृश्य आ गया उसको भी प्रवेश कहेंगे। कभी कोई पात्र धीरे धीरे चलते हुए कहीं साइड विंग्स जो हैं बगल के जो पर्दे हैं या जो मत्तवारिणी है, पुराने रंगमंचों में जो मत्तवारिणी होती थी खंभे होते थे उन खंभों के पास से वो कहीं रंगमंच को प्रवेश करती थी। और कभी एक तीसरा प्रवेश करने का जो तरीका है वो है अपटी क्षेपेण प्रवेश, माने बिना पर्दा हटाए बस हड़बड़ाते हुए रंगमंच के ऊपर कोई पात्र कहीं से आ जाए। तो अपटी पटक्षेप नहीं हुआ है, पर्दा नहीं आया है,
तो उस समय प्रवेश, तो तीन तरह से प्रवेश हुआ। पर्दा लगा हुआ है, पर्दा उठा, एक दृश्य सामने आ गया। एक दूसरा तरीका है कि कोई पात्र कहीं बगल से रंगमंच के में प्रवेश करते हुए रंगमंच के बीच में आकर के वो चर्चा करे, अपने बात को कहे। और कभी है कि बिना पटाक्षेप के हरवाहार पूर्वक एकाएक कोई पात्र आ जाए तो उसका नाम है अपटिक्षेपेण प्रवेश। पर्दा नहीं पड़ा है पर भी प्रवेश करके। श्री महाराज जी कह रही हैं वो विशाखे, ये अपटिक्षेपेण जो प्रवेश है वो हरवाहार में कोई बड़ी इमरजेंसी आ जाए, कोई अत्यंत अत्यंत आवश्यक बात आ जाए तो उस समय कोई पात्र एकाएक जो प्रवेश करता है उसका नाम है अपटिक्षेपेण प्रवेश। तो मुखरा जी कह रही हैं, अरे विशाखा, अभिमन्यु ने मुझे एक आदेश दिया है। अभिमन्यु संदिशति कि अद्य ज्योतिषकानां उपदेशेन मया गोमंगलानां चंडी पूजनीया। आज ज्योतिषियों के उपदेश के द्वारा, मेरे द्वारा आज गोमंगला नाम करके जो चंडी है उसकी आराधना करनी है। ज्योतिषों ने कहा कि यदि तुम गोमंगला चंडी की आराधना करोगे तो तुम्हारे यहां पर भी, जैसे तुम्हारे मित्र गोवर्धन मल्ल के यहां पर बहुत सारी गाय हैं, चंद्रावली जी के पति मंद जो गोप हैं, तो उनके घर में जैसे बहुत सारी गाय हैं, ऐसे तुम्हारे यहां पर भी गोधन की बहुत बड़ी वृद्धि हो जाएगी। ये बिल्कुल लोकवत लीला है, जैसे संसार में है एक पड़ोसी को देख करके दूसरा पड़ोसी भी प्रतिस्पर्धा करता है, ईर्ष्या भी करता है, प्रतिस्पर्धा भी करता है, उसके यहाँ पर है तो मेरे यहाँ पर क्यों नहीं। ऐसे ही यहाँ पर चंद्रावली जी के यहाँ पर यदि बहुत सारी गाय है और खूब समृद्धि है तो हमारे यहाँ पर भी समृद्धि हो, ये लोकवत लीला में कहीं भावना विराजमान है। और ज्योतिषी से पूछा होगा कि कैसे पड़ोसी के यहाँ पर जितना धन है ऐसा हमारे यहाँ पर भी गोधन हो जाए। और किसी पड़ोसी ने बताया, बोले यदि तुम गोमंगला चंडी की आराधना करोगे तो तुम्हारे यहाँ पर भी खूब गोधन हो जाएगा। तो देखा देखी ये अभिमन्यु को वे भी गोमंगला चंडी की आराधना करना चाहते हैं। यहाँ पर एक विचार मात्र है, उसको संशोधित कर लेंगे। प्राय एक संदेह उठाया जाता है, पंखा चला दीजिए, प्राय एक संदेह उठाया जाता है कि यदि ब्रजवासी जन उपदेवों की या जो स्वर्गीय देवता हैं उन स्वर्गीय देवताओं की यदि आराधना करते हैं तो क्या साधक को भी प्राकृत देवताओं की आराधना करनी चाहिए। ये कभी कभी उपासकों के सामने एक प्रश्न आता है कि वृजलीला में सब जगह ये देखने में आता है कि श्री चंद्रावली जी वे गोमंगला चंडी की आराधना करती हैं, श्री राधारानी सूर्य की आराधना करती हैं, सूर्य उपासकाएं, धन्यादि कन्यागण वे आराधना करती हैं कहीं कात्यायनी देवी की, इसी तरह से कभी नंद बाबा भी अंबिका जो है उनका पूजन करने के लिए आप जाते हैं और अंबिका देवी की आराधना करते हैं। उधर द्वारका लीला में तो खूब है, कोई चंद्रभागा देवी की आराधना करते हैं, कृष्ण घुस गए हैं जामवान की गुफा में और 12 दिन हो गए और अभी तक निकल करके नहीं आए, अब क्या करें, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए चलो चंद्रभागा देवी की आराधना करें, और सारे यादव चंद्रभागा देवी के मंदिर में एकत्रित हो गए। श्री रुक्मणी जी पूजा करने के लिए जाती हैं तो वहां पर देवी की पूजा करने के लिए जाती हैं, तो लीला का दर्शन करके कई बार ये भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि जब ब्रज परिकर नित्य परिकर वो प्राकृत देवताओं की आराधना करता है तो क्या साधक को भी प्राकृत देवता की आराधना करनी चाहिए।
पर इसका उत्तर यह है कि नहीं, हमको आराधना करनी चाहिए वो जो हमारे गुरुजनों ने हमको बताई। हमको प्राकृत देवताओं की आराधना में नहीं फंसना चाहिए। हमको कहीं जीवन में अनन्यता धारण करते हुए हमारे जो उपास्य हैं उनकी ही आराधना करनी चाहिए। अनन्य आराधना करने पर ही प्रेम की सिद्धि होगी। कभी इस देवता, कभी उस देवता, कभी उस देवता की करने पर सिद्धि नहीं होगी। फिर मृत्यु पढ़कर क्यों करता है, यह एक समस्या होगी। मृत्यु पढ़कर क्यों कर रहा है ऐसी आराधना प्राकृत देवताओं की। यहां पर यह समझना चाहिए कि लीला में, श्रीमद गोलोक में या नित्य वृंदावन में प्राकृत परकर है, वहां पर प्राकृत देवता है ही नहीं। वहां पर तो जितनी भी लीला है वो सब अप्राकृत है। वहां पर तो सब चिन्मय होकर के ही विराजमान है। अब जब चिन्मय होकर के विराजमान है तो वहां के जो देवता है जो ऊपर से देखने में लग रहे हैं प्राकृत, परंतु वे प्राकृत है ही नहीं। तो सिद्धांत यदि धन्यवाद कन्यागण यदि कात्यायनी की आराधना कर रही है तो वो कात्यायनी नव दुर्गाओं में स्थित कोई कात्यायनी नहीं है, बल्कि वे माया, अर्थात वे माया नहीं है बल्कि वे महामाया ही है। और इस बात का बहुत अच्छी तरह से विवेचन श्री जीव गोस्वामी जी ने कात्यायनी महामाया महायोगिनीश्वरी ये जो प्रकरण है इस प्रकरण में जीव गोस्वामी जी ने बहुत अच्छी तरह से किया कि तत्वतः निकुंज मंदिर में जो कात्यायनी की पूजा की जा रही है, श्री ब्रजलीला में जो कात्यायनी की पूजा की जा रही है, वो कात्यायनी तत्वतः श्री राधा रानी की ही स्वरूप भूता चिन्मय देवी ही है। परंतु ध्यान से सुनना, परंतु ब्रजलीला वह लोकवत है, लौकिक नहीं है। हम गलती कर जाते हैं कहां कि लोकवत को लौकिक समझ लेते हैं। ब्रजलीला लोकवत है, लोकवत होने के कारण वहां पर जैसे लोक में कोई आपत्ति आई, चलो ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, इस देवता का जप कर लो, उस ग्रह का जप कर लो, या इस वस्तु को करने से ये वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी, तो लोकवत लीला में जैसे जो भी देवता सामने आया, डेमिगॉड्स जो प्राकृत देवता है, उन प्राकृत देवताओं की भी जैसे आराधना कर ली जाती है, तत्वतः लक्ष्य जो है वो क्या है, अपने हित की पूर्ति। इसी प्रकार लोकवत लीला में श्री ब्रज गोपिका गण भी, श्री राधारानी भी, श्री चंद्रावली जी भी और अभिमन्यु इत्यादि भी लौकिक देवताओं की आराधना करते हुए दिखते हैं। अब यदि वे लौकिक देवता प्राकृत होते तो वे कृष्ण को प्रदान नहीं कर सकते थे। जब लौकिक देवता कोई कृष्ण प्राप्त नहीं है तो वो स्वर्ग में टपटपा रहा है तो वो कृष्ण को कैसे दे सकता है। लौकिक देवता को यदि कृष्ण प्राप्त हो जाते तो फिर वो स्वर्ग में क्यों रहता, वो तो गोलोक में पहुंच जाता। तो यदि लौकिक देवता की ही आराधना की होती तो उसके द्वारा कृष्ण प्राप्त नहीं होते। इसका प्रमाण यह है कि कात्यायनी देवी की गोपियों ने, धन्यादि कन्यागणों ने, कुमारिकाओं ने आराधना की, परंतु वरदान देने के लिए कात्यायनी नहीं आई। वरदान देने के लिए कौन आया, साक्षात कृष्ण। इसका तात्पर्य है कि वो जो कात्यायनी है जिसकी आराधना की गई है वो कात्यायनी प्राकृत कात्यायनी नहीं है, गुणात्मक कात्यायनी या नवदुर्गा नहीं है। वो कात्यायनी कस्य सुखस्य आ समन्ता आतिशयेन ऐनम यस्याम सा कात्यायनी, सुख की परम आश्रय भूता जो श्री राधा रानी है, उन राधा रानी की ही कहीं एक वैभव रूप होकर के वे कात्यायनी विराजमान है। इसलिए वृत्त किया जा रहा है कात्यायनी का, परंतु वरदान देने के लिए कौन आते हैं, स्वयं श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र चुरा करके उनको वरदान देने के लिए आते हैं। यदि वो प्राकृत कात्यायनी होती
प्राकृत कोई गुणात्मक देवता होती तो गुणात्मक देवता न तो कृष्ण को दे सकता था, न गुणात्मक देवता के स्थान पर कृष्ण आकर के वरदान प्रदान करते। इसलिए निकुंज मंदिर में या लीला में जो ऊपर से दिखता है कि ब्रजवासी जन या द्वारकावासी जन प्राकृत देवता की आराधना करते हैं, इससे कभी भी भ्रमित नहीं होना चाहिए कि वे प्राकृत देवता की आराधना करते हैं तो चलो हम भी प्राकृत देवता की किसी देवी देवता की आराधना करने लगे हैं। ऐसा हमको भ्रमित नहीं होना चाहिए। हमको आराधना करनी है कौन सी, हमारे गुरुजनों ने जो बताया, हमारे गुरुजनों ने बताया है क्या भाई, एकादशी व्रत करो, जयंती व्रत जो है उनको करें, उनके द्वारा प्रेम की प्राप्ति होगी, उनके द्वारा मंजरी भाग की प्राप्ति होगी। हम यदि तब तक देवताओं की आराधना में लग गए तो कहीं हमारी जो भावधारा है वो भावधारा प्रभावित हो जाएगी, वो भावधारा अवरुद्ध हो जाएगी। इसलिए साधक को सावधान रहना चाहिए कि निकुंज में यदि श्री किशोर जी ने कृपा की और निकुंज में कोई व्यक्ति पहुंच जाए, एक सिद्ध होकर के लीला प्रवेश उसको हो जाए, तो वहां पर उसका जो आचरण होगा वो ब्रजवासियों जैसा होगा। परंतु जब तक हम निकुंज मंदिर में नहीं पहुंचे हैं तब तक हमको साधना करनी है। कैसे, बोले सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भाव लिप्सना कार्य ब्रज लोकानुसारता, ब्रज लोक के अनुसार हमको साधन करना चाहिए। अर्थात रूप गोस्वामी जी जैसा आचरण करते रहे वैसा आचरण हम करेंगे, गुरुजन श्री बड़े बाबा जी महाराज जैसा आचरण बताते रहे वो आचरण हम करेंगे। हम नित्य परकर जैसा आचरण नहीं कर सकते हैं, नित्य परकर कात्यायनी पूजा कर सकेंगे, नित्य परकर श्री नंद बाबा कन्हैया का जल्दी ब्याह हो जाए ये विचार करते हुए देवी की जात देने के लिए जा सकते हैं, अंबिका देवी का पूजन करने के लिए जा सकते हैं, परंतु हमको अपने गुरुजनों के अनुसार ही पूजा करनी चाहिए। एक बात, इसी साथ में एक तर्क और बात को समाप्त करेंगे। वो तर्क ये कि जब कोई कामना लेकर के पूजा की जाती है तो तत्वतः पूजन या आराधन उस कामना का हो रहा है, उस देवता का नहीं हो रहा है, यह एक सिद्धांत है। हम यदि किसी इच्छा को लेकर के कोई व्रत कर रहे हैं तो तत्वतः हम इच्छा की पूजा कर रहे हैं, हम उस देवता की पूजा नहीं कर रहे हैं, कामना की पूजा हो रही है। जितने भी ब्रजवासी हैं वो जो भी कार्य कर रहे हैं वो कार्य किसके लिए कर रहे हैं, कात्यायनी पूजा किया जा रही है, चाहे शिव जी की पूजा की जा रही है, देवी की पूजा की जा रही है, या कन्हैया के जन्मोत्सव के ऊपर नंद बाबा पितृ देवाचरण तथा नांदी मुख श्राद्ध कर रहे हैं, पितरों का पूजन कर रहे हैं। वो पितरों का पूजन पितरों के लिए नहीं है, वो पूजन है काय के लिए, कन्हैया के हित के लिए, कन्हैया के प्रेम के लिए। तो जो देवता की पूजा की जाती है वो देवता की पूजा नहीं है, तत्वतः कामना की पूजा है। और यदि कोई ब्रजवासी यदि पूजा करते हैं तो उनके ब्रजवासियों की कामना क्या है, बोले ब्रजवासियों की एकमात्र कामना है कृष्ण की प्रीति को प्राप्त करना। इसलिए भ्रमित नहीं होना चाहिए, हमको साधक रूप में ही विराजमान होना चाहिए। और साधक के लिए जैसे अनन्यता आवश्यक है और हमारे गुरुजनों ने जो उपदेश प्रदान किया हम उसका आचरण करेंगे, हमको अपनी साधना में कहीं भी किसी भी प्रकार की विचलन फिसलन नहीं लानी चाहिए, हमको एकाग्र साधना की ओर ही सर्वदा प्रस्तुत होना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो यहां पर कह रहे हैं कि अरे विशाखा अभिमन्यु ने संदेश दिया है कि ज्योतिषियों ने अभिमन्यु को यह बताया है कि गोमंगला नाम की जो चंडी है उसकी पूजा करनी है, इसलिए पूजन के जितने भी उपहार हैं सामग्री उनको ग्रहण करके जल्दी से चैत्य वृक्ष के नीचे पहुंच जाओ, जल्दी से जो पीपल का जो वृक्ष है उसके पास में तुम पहुंच जाओ और उसका पूजन करो।
और श्री राधिका को भी पीपल के वृक्ष के पास में पहुंचा करके, चैत्य वृक्ष के पास में पहुंचा करके उनसे चैत्य वृक्ष की पूजा करा दो। श्री किशोरी जी बड़ी दुखी हो रही है, बोले ये कहां की झगड़ा आ गया, ये बीच में एक बाधा और उपस्थित हो गई, सखेदम अपवाद। दुखी होकर के कह रही हैं कि हा दुर्दैवस्य प्रातकूल्यम, कैसा दुर्दैव यहां पर आ गया, कैसी प्रतिकूल स्थिति यहां पर उपस्थित हो गई। इतने में ललता कह रही है, बोले अभी सखी यदि अभिमन्यु ने ये आदेश दिया है तो सत्य नामा एषा अभिमन्यु, ये अभिमन्यु वास्तव में सत्य नाम वाला ही है, अर्थात अभी माने भीतर सभी ओर से, जिसमें मन्यु माने क्रोध विराजमान है, उसका क्रोध ही स्वभाव तो है ही अभिमन्यु। अधि माने भीतर, अभी माने सब ओर, उपमाने निकट, उपमन्यु अधिमन्यु अभिमन्यु, सब में थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाएगा। अभी शब्द जो आता है अभी उपसर्ग, उसका तात्पर्य होता है अभिता मन्यु, सब ओर क्रोध करने वाला, अधिमन्यु माने अधिगत हो गया है मन्यु, भीतर जिसके क्रोध छिपा हुआ है, उपमन्यु माने क्रोध जिसके पास में रहे, तो उपशब्द का अर्थ होता है निकट, अधि का मतलब होता है भीतर बैठना, अधिष्ठान करके बैठना, और अभी का तात्पर्य है सर्वत्र सर्वत्र एक ही बात को देखना। तो अभिमन्यु सत्य नामा एषा अभिमन्यु, अर्थात वो सबके ऊपर क्रोध करने वाला है। ततो गत्वा पूजितो भावं संपादयामः, अब बात तो माननी पड़ेगी, लाओ पूजा के जो उपहार हैं वो गोमंगला, ये गोमंगला चंडी उनकी पूजा की सामग्री इकट्ठी करती हैं, ऐसे जो कहा ललता जी के इतने ऐसा कहकर के सब बहाने इस प्रकार निकल जाते हैं। श्री राधिका मुखरा और ललता ये तीनों की तीनों निकल जाती हैं। पौर्णमासी जी केवल खड़ी रहती हैं और पौर्णमासी जी सुवल के पास में आती हैं व्यथा सहित, कहती हैं कि बेटा सुवल दुस्समानाधेयम दुस्समाधानेयम गति उपस्थिता, बड़ी समस्या वाली गति उपस्थित हो गई है। तदर्थ वृंदया सह गत्वा समाश्वस्यतां त्वया पाटवेनो पुंडलिकाक्षा, इसलिए आज वृंदा के साथ में तुम ये काम करो कि अरे सुवल राधिका अभिसार तो कर रही थी कृष्ण के पास में, परंतु ये बीच में ही अभिमन्यु का एक निर्देश प्राप्त हो गया, इसलिए वे अभिसार नहीं कर सकेंगे, कोई दूसरा उपाय करेंगे जिससे श्री राधिका का अभिसार हो। तुम एक काम करो कि जब तक मैं कोई उपाय करूं तब तक श्याम सुंदर व्याकुल हो रहे होंगे। अब कितनी चिंता है कि श्याम सुंदर के पास में कोई नहीं पहुंचा तो कितने व्याकुल हो रहे होंगे, इसलिए श्याम सुंदर को तुम कहीं धैर्य प्रदान करो, वृंदा के साथ में जाओ, श्याम सुंदर को समाश्वस्यता चतुराई के साथ में उनको धैर्य प्रदान करना, उन पुंडलिकाक्ष को। मया तो प्रामाणिकम पुरंधरीणाम गोष्ठीम आसाद्य जटला कौटिल्यम वर्णिष्यते, अब मैं जाकर के प्रामाणिक जितनी भी गोपीगण हैं उनको इकट्ठा करके, माने गोपियों की पंचायत बुला करके, गोपियों से उन पंचायत पंचों से ये कहूंगी कि ये जटला की बातों में मत आया करो, ये जबरदस्ती कृष्ण के ऊपर और अपनी बधू के ऊपर भी ये जबरदस्ती कुत्सा करती हुई आक्षेप लगाती है, इसलिए जटला की बात पर नहीं मानना चाहिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि दूसरे लोगों को अपने पक्ष में कर ले जटला, उनके काम भर दे, तो मैं जाकर के पूरी पंचायत को समझाऊंगी, ऐसा कहकर के पौर्णमासी जी भी निकल जाती है। यहां पर ड्रामेटर्जी की दृष्टि से, नाट्य शास्त्र की दृष्टि से एक बात विचारनी है, और वो ये कि नाटक में संघर्ष और कहीं एक्शन होना चाहिए,
यदि कोई नाटक कोई फिल्म उसमें एक्शन नहीं है तो वो पिट जाएगी चलेगी। नाटक में एक्शन होना चाहिए और एक्शन नहीं है तो फ्लॉप हो जाएगी। तो यहां पर जीव को समझे कितनी कुशलता है कि कहीं एक्शन बनाए रखने के लिए, उसमें कहीं गति बनाए रखने के लिए ये पंचमन बहुत सुंदर मन नाटकीय दृष्टि से बहुत कुशल और सामाजिक को एकदम आकर्षित कर लेने वाला बड़ा सुंदर ये ग्रंथ है, जिसमें नाटकीयता के लिए जो क्रियाशीलता है, एक्शन है, वो एक्शन बराबर बराबर बने हुए हैं। तो एक्शन का जो पोर्शन है वो भी यहां पर, यदि कोई ऐसा नाटक हो जिसमें उपदेश ही उपदेश हो, भले नाटक हो पर उपदेश उपदेश हो, तो जितना भी ऑडियंस है श्रोता वो थोड़ी देर तो सुनेगा फिर साफ उंगे लग जाएगा, बोला अरे क्या बेकार बेकार चलो 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 चलो, तो वो रंगमंच खाली हो जाएगा। तो क्रिया नाटक में आकर्षण बन, आकर्षण बनाए रखने के लिए एक्शन, और यहाँ पर देख रहे हैं कि बराबर एक्शन बना हुआ है, पात्रों में बराबर चेष्टा बनी हुई है, दौड़ भाग कहीं गति बनी हुई है और भाव भी बना हुआ है। मूलतः तो रस का पोषण करना, श्री प्रियालाल इनके रस का पोषण किया जा रहा है, साथ ही साथ में कहीं चेष्टा और लीला भी बनी हुई है। लीला का अर्थ ही है, लीला की परिभाषा उज्जवल निर्माण में दी गई कि लीला तचार विक्रीता, श्याम सुंदर की चारू जो क्रीड़ा सुंदर क्रीड़ा उसका नाम ही लीला है। तो यहाँ पर कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए, क्रीड़ा होना चाहिए, तो वो क्रीड़ा दिख रही है। पौर्णमासी जी अभी एक बीच में बाधा आई, एक संघर्ष आया और उस संघर्ष को कॉन्फ्लिक्ट जो आया है उसका अब समाधान करने का, कोई ना कोई जो बाधा आती है उनका समाधान करने का अब प्रयास किया जा रहा है। पौर्णमासी जी चली गई, सुवल उस समय चले, बोले वृंदा कहीं मिल जाए, श्याम सुंदर मिल जाए, तो वृंदा के साथ श्याम सुंदर के पास में जाकर के उनको धैर्य दूं। तो जरा सा रंगमंच पर घूमे, इतने कह रहे हैं एशा तमाल तले दक्षिण हस्ते गृहित वंश का वृंदा तिष्ठति, बोले अरे ये तो सामने तमाल के वृक्ष के नीचे वृंदा आ रही है और वृंदा के हाथ में ये वंशी कहां से है। इसका मतलब है वृंदा ने वो ककटी जो बदरिया है, वो बदरिया ने वंशी को चुरा लिया, फिर वृंदा को दे दिया और वृंदा उस वंशी को लेकर के अब आ रही है। चलो इस वंशी को देने के बहाने हम श्याम सुंदर के पास में जाकर के उनको धैर्य प्रदान करते हैं। तो कह रहे हैं कि ये दाहिने हाथ में वंशी लेकर के वृंदा सामने